दोस्तों, अफीम एक ऐसी फसल है जिसकी खेती भारत का हर किसान करना चाहेगा, क्योंकि इस फसल में मुनाफा बहुत होता है। आम फसलों की खेती की तरह इसकी खेती इतनी आसान नहीं है। इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है और इसके लिए बहुत सारी सरकारी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। इसकी खेती सरकार की बिना इजाजत के करना गैर कानूनी है। वैसे आपको बता दें कि इसकी खेती काफी अलग तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अफीम की खेती कैसे की जाती है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, अफीम की खेती के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर अफीम है क्या। ज्यादातर लोग अफीम को एक नशीला पदार्थ समझते हैं। लोगों को लगता है कि अफीम नशा करने के काम आती है। लोग इसे हीरोइन का सोर्स भी समझते हैं, लेकिन हमारे देश में अफीम का इस्तेमाल वैलिड ड्रग बिजनेस के लिए किया जाता है। अफीम को वैसे दोस्तों काला सोना भी कहा जाता है। अफीम का पौधा, चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि अफीम का पौधा दिखता कैसा है। अफीम का पौधा लगभग 1 मीटर की ऊंचाई का होता है। इस पौधे में सफेद रंग के फूल खिलते हैं। अफीम के फूल झड़ने के बाद ही अफीम के फल आते हैं। ये फल दिखने में अनार के जैसे होते हैं। इसके फल को आम बोलचाल में डोडा, वहीं इसके छिलके को पोषत कहा जाता है। अफीम की खेती। दोस्तों, अगर अफीम की खेती की बात करें तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अफीम के लिए कौन सा मौसम सबसे सही है। तो दोस्तों, अफीम की खेती सर्दी के मौसम में की जाती है। इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। इसके बीजों की बुआई सितंबर के आखिरी में या फिर अक्टूबर के शुरू से लेकर नवंबर तक हो जाती है। उगाने का तरीका। दोस्तों, इनको उगाने के लिए सबसे पहले खेत को बहुत अच्छे से जोतना पड़ता है। अफीम की खेती के लिए खेत की जुताई गहरी की जाती है, इसलिए इसको उगाने से पहले खेत को 3 से 4 बार जोतना जरूरी होता है। जुताई के बाद खेत में पानी डालकर छोड़ दिया जाता है ताकि खेत की जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए। खेत का पानी सूख जाने के बाद उसमें कल्टीवेटर लगाकर 2-3 बार तिरछी जुताई की जाती है ताकि खेत की मिट्टी थोड़ी भूरी भूरी हो जाए। इसके बाद इस भूरी भूरी मिट्टी को पाटा लगाकर समतल करा जाता है। इसके बाद खेत में अच्छे से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर अर्थ वॉर्म मैन्योर यानी कि केंचुए की खाद डाली जाती है। अफीम का जो पौधा है वो खेत से काफी कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में खेत में खाद डाली जाती है ताकि मिट्टी में किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी ना रहे। खेत तैयार हो जाने के बाद इसमें बीज डाले जाते हैं। जिन किसानों को लाइसेंस मिल जाता है उनको बीज भी आसानी से मिल जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूट भी अफीम के बीज प्रोवाइड करता है। बीज को खेत में अच्छे से डालना होता है और खेत को वापस से एक बार जोतना होता है ताकि मिट्टी जो है वो बीज के ऊपर आ जाए। बीज डालने के बाद 7-10 दिन के अंतर में खेत में पानी डाला जाता है। इसके बाद बीज अंकुरण के समय पर 12 से 15 दिन के अंतर में खेत में पानी डाला जाता है। इसके पौधों को भी काफी सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए अफीम के पौधों की सिंचाई लगातार की जाती है। हार्वेस्टिंग। खेत में बीज डालने के लगभग 95 से 115 दिन बाद पौधों पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। फूल आने के कुछ टाइम बाद ये झड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं पौधों पर 15 से 20 दिन बाद छोटी छोटी बॉल्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें नॉर्मली डोडे कहते हैं। जब ये डोडे टाइट हो जाते हैं यानी कि पक जाते हैं, तब इन डोडों पर एक स्पेशल औजार से या फिर ब्लेड से चीरा यानी कि कट लगाया जाता है। ये चीरा फरवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक लगाया जाता है। ये चीरा दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 के बीच लगाया जाता है। डोडों पर चीरा लगाने के बाद इन डोडों में से एक लिक्विड निकलने लगता है, इसे लेटेक्स कहा जाता है। इस लिक्विड को पूरी रात निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह तक हर डोडे पर लगभग 1 से 1.5 ग्राम लिक्विड जमा हो जाता है। जब ये लिक्विड जम जाता है तो अगले दिन किसान सुबह जल्दी 5-6 बजे ही खेत पर चले जाते हैं। उसके बाद किसान उन डोडो से उस लिक्विड को एक स्पेशल औजार से हटा लेते हैं। धूप आने से पहले किसानों को ये लिक्विड इकट्ठा करना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लिक्विड जमा होता है वही अफीम होती है, जो कि इकट्ठा कर नारकोटिक्स विभाग से तुलवाई जाती है और उसी हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर ये बात सच है कि किसान अपनी अफीम के खेत में नंगे पैर ही जाते हैं। इसके अलावा अफीम उगाने से लेकर उसकी कटाई तक उसको नजर से बचाने के लिए अलग अलग तरह की पूजा किसान द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं अफीम के लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस। अफीम की खेती करने का लाइसेंस फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है। जो किसान पहले से अफीम की खेती कर रहे हैं
या फिर उनके पास पहले से ही अफीम की खेती के लाइसेंस हैं, उनको ही वापस से लाइसेंस रिन्यू करके दिया जाता है। सरकार अपनी तरफ से एक राजपत्र जारी करती है, इसमें अफीम की खेती को लेकर काफी सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं, और जो किसान इन कंडीशंस को पूरा कर पाते हैं सिर्फ उन्हीं का ही लाइसेंस रिन्यू किया जाता है, और जो किसान ऐसा नहीं कर पाते उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने अफीम की खेती के लिए लगभग 15 से 20 साल पहले 3-4 साल तक लगातार अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए थे। इन लाइसेंस को जारी करते वक्त ही कितनी जमीन पर इसकी खेती की जाएगी ये डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब अगर सरकार किसान को 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती करने की परमिशन देती है तो किसान उससे ज्यादा जमीन पर खेती नहीं कर सकता। अगर किसान ऐसा करता है तो किसान पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा किसान से अफीम की क्वांटिटी भी पहले ही डिसाइड कर ली जाती है। अगर सरकार ने किसान से 1 हेक्टेयर जमीन की खेती से 5.9 किलोग्राम अफीम मांगी है तो ये किसान को देनी ही पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर किसान ने 5.9 किलोग्राम मॉर्फिन से कम मॉर्फिन सरकार को दिया है तो अगली बार किसान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे 2-4 ग्राम सरकार को कम मॉर्फिन मिलता है तो लाइसेंस रद्द नहीं होगा। पर अगर डिसाइड क्वांटिटी या फिर MQY मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड से बहुत कम मॉर्फिन सरकार को मिलता है तो किसान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा सरकार इसलिए करती है क्योंकि बहुत बार किसान सरकार को झूठ बोल देते हैं कि इतनी पैदावार हुई ही नहीं और अफीम को ब्लैक में बेच देते हैं। कालाबाजारी को बंद करने के लिए ही सरकार ऐसा करती है। इसके अलावा अगर किसी कारण से अफीम की खेती खराब हो जाए तब ऐसे में किसान को अपनी सारी फसल जैसे डोडा भूसा पत्ते वगैरह सब कुछ सरकार को जमा करना होता है। अफीम की पैदावार ना होने पर भी इसके बचे हुए माल को आग लगाकर बर्बाद करना पड़ता है, उसके बाद ही किसान को क्लेम दिया जाता है। कमाई और खर्चा। अफीम उगाने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 7 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। अफीम का 1 किलो बीज करीब 150 से 200 रुपए में आ जाता है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर के खेत में लगभग 50 से 60 किलोग्राम लेटेक्स मिल जाता है। इस लेटेक्स को सरकार लगभग 1800 रुपए पर ग्राम के हिसाब से खरीद लेती है। वहीं अगर इसे काला बाजारी पर बेचा जाए तो 60,000 रुपए से लेकर 1.2 लाख रुपए कमाई हो जाती है। इसके अलावा अफीम के पौधों पर उग रहे डोडो को तोड़ने पर उसमें से एक बीज जैसा पदार्थ निकलता है जिसे खसखस कहा जाता है। ये खसखस बहुत कम आता है, रसोई के मसालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खसखस बाजार में 1.5 लाख रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक जाता है। इसी तरह किसानों को अफीम की खेती से भारी मुनाफा होता है। अफीम की खेती कहाँ कहाँ की जाती है दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी तो होगी पर ये सच है कि पूरी दुनिया में बस कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में उगाई जाती है। पूरी दुनिया की 85% अफीम सिर्फ अफगानिस्तान में उगाई जाती है। भारत में इसकी खेती हर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ ही जगहों पर अफीम की खेती की जाती है। राजस्थान के झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जैसी जगहों पर अफीम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम की खेती की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में राजस्थान के बॉर्डर से सटे हुए नीमच, मंदसौर जैसी जगहों पर अफीम उगाया जाता है। अब आइए अंत में जानते हैं कि आखिर अफीम का इस्तेमाल किन चीजों में किया जाता है। अफीम के यूजेस। अफीम के पौधे में ऐसी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसे मेडिकल पर्पस से काफी यूजफुल बनाती हैं। यूनान के डॉक्टर्स के मुताबिक अफीम कमर दर्द, घुटनों के दर्द, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए काफी अच्छी दवा है। बहुत पुराने सिर दर्द को मिटाने के लिए भी अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी लग जाने पर खांसी जुखाम में भी अफीम बहुत फायदेमंद होती है। अफीम डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स में भी काफी यूजफुल होती है। तो दोस्तों ये थी अफीम की खेती और उससे होने वाली कमाई की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।